नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं विकास कुमार लाइव। कटिहार के डीएम कमल तनुज को औरंगाबाद के महादलित बस्ती की महिलाओं ने राखी भेजी तो डीएम ने भी अपनी बहनों को मिठाइयां और कपड़े भेजे। हमारे बगल में जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये औरंगाबाद की तस्वीर है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं इमरान खान। इमरान, ये दस्तूर कब से चलता आ रहा है कि औरंगाबाद की महिलाएं कटिहार के डीएम कमल तनुज को, यानी कमल तनुज जी को राखी भेजती हैं और उसके बदले में कमल तनुज उन्हें मिठाइयां और कपड़े भेजते हैं? इमरान, विस्तार से बताएं। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है कि औरंगाबाद की महिलाएं कमल तनुज को राखी बांधती है। हालांकि कमल तनुज औरंगाबाद में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी के बीचों में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। खास तौर पे महिलाएं कमल तनुज को रक्षाबंधन के मौके पर राखी जरूर बांधती हैं और कमल तनुज बदले में अपनी बहनों को पुरस्कार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जी जी, तो इमरान, ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है? क्या डीएम कहीं भी रहें, ये महिलाएं उन्हें राखी भेजती हैं? जी बिल्कुल, कटिहार के डीएम कमल तनुज चाहे जहां भी रहें, जिस जिले में रहें, औरंगाबाद की महिलाएं जो हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो वहां तक उनको राखी जरूर पहुंचाती हैं। लेकिन डीएम साहब कमल तनुज वो अपनी बहनों को गिफ्ट भी भेजना कभी नहीं भूलते। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है और अब तक ये परंपरा चलता ही रहा है। निश्चित तौर पर कटिहार के डीएम के कार्यशैली की जो तारीफ है वो औरंगाबाद में खूब होती है, जमकर होती है। शायद यही एक वजह है कि कटिहार के डीएम कमल तनुज के नाम पर औरंगाबाद में एक सड़क का नाम कमल तनुज मार्ग रख दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। कटिहार में बाढ़ की स्थिति पर हमारे साथ आजमनगर से जुड़े हैं जयप्रकाश भगत। हालांकि हम आपको बता दें कि बाढ़ की जो स्थिति है या बाढ़ का जो समय है वो 13-14 अगस्त के आसपास का होता है और असमय यानी इस समय से पहले बाढ़ का पानी कटिहार के गांव ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका था। अभी उन जल स्तरों का क्या है? जयप्रकाश, क्या स्थिति है बाढ़ की? जैसे कि देखा जाए, हर वर्ष आजमनगर महानंदा नदी में बाढ़ आती है, लेकिन इस वर्ष भी इसी तरह बाढ़ आया है। जो अभी फिलहाल महानंदा की जलस्तर काफी घट गई है, जिससे लोगों को अब राहत मिल रही है। बता दें कि कई दिनों से आजमनगर महानंदा नदी में काफी उफान पर चल रही थी नदी, खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही थी, लेकिन अभी कई दिनों से महानंदा अपने खतरे के निशान से नीचे बह रही है, जिससे लोगों को अब राहत मिली हुई है। जयप्रकाश, अक्सर देखा गया है कि 12-13 अगस्त के बाद ही बाढ़ का प्रकोप कटिहार जिले में, बाढ़ का पानी और प्रकोप कटिहार जिले में प्रवेश होता है, बाढ़ का प्रकोप होता है। तो जयप्रकाश, ये जो बाढ़ आई थी ये समय से पहले आई थी, तो उसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? जी सर, बताया जा रहा है कि मौसम के हिसाब से, मतलब समय से पहले बारिश हुई थी, जिसके कारण महानंदा नदी में बाढ़ आ गया, जिसके कारण लोगों के घर गांव में पानी प्रवेश कर गया था, लेकिन लोगों का घर से आना जाना, सड़क संपर्क वो भी भंग हो गया था। नाव के सहारे लोग आवागमन करते थे। जो अंचल प्रशासन के द्वारा नाव की व्यवस्था कराई गई थी, जो कि लोग अपने गांव से अपने बाजार को नाव के सहारे आवाजाही करते थे और अपने जरूरत के सामान को खरीदते थे आजमनगर से। चलिए जयप्रकाश, आप बाढ़ के, अब जयप्रकाश आप बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ का जो अपडेट है, उस पर नजर बनाए रखिएगा। हम चलते हैं बाढ़ का अपडेट लेने के लिए मनिहारी। ये दो इंपॉर्टेंट जगह है, बारसोई आजमनगर, मनिहारी कदवा। हम चलते हैं मनिहारी, वहां से जुड़े हुए हैं ताजिम। ताजिम, बाढ़ के ताजा हालात मनिहारी में क्या है? बाढ़ पानी काफी लोगों को परेशान कर रहा है और परेशानी में लोग झेल रहे हैं। तो अभी अभी बाढ़ की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी बाढ़ का पानी वहां प्रवेश कर रहा है या प्रवेश कर चुका है और उसका जल स्तर नीचे जा रहा है? बाढ़ का पानी अभी दो दिन से लगातार जो है स्लो प्रोसेस में बढ़ रहा है। जैसा कि सूचना लोगों द्वारा मुझे मिला है कि आज रात, कल रात में दो उंगली पानी बढ़ रहा है, यानी मनिहारी में जल स्तर की बढ़ोतरी हो रही है। धन्यवाद ताजिम हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आज के लिए विकास कुमार लाइव में बस इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे लाइव। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।